हिम्मत नहीं कि अपने कामों पर। गया में पीएम मोदी ने आरजेडी को घेरा, पूछ दिया है सवाल। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बिहार पहुंचे हैं। गया और पूर्णिया में आज उनकी सभा है। इससे पहले जमुई व नवादा में मोदी जनसभाएं कर चुके हैं। गया में पिछले दो चुनावों में मात खा चुके पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से प्रत्याशी हैं। पूर्णिया में जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा पिछले दो चुनावों में विजयी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में आज दो जनसभाएं हैं। गया और पूर्णिया में उनकी जनसभाएं प्रस्तावित हैं। इससे पहले जमुई व नवादा में मोदी जनसभाएं कर चुके हैं। गया में पिछले दो चुनावों में मात खा चुके पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से प्रत्याशी हैं। पूर्णिया में जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा पिछले दो चुनावों में विजयी रहे हैं। ये संयोग है कि मोदी जहां मांझी को तीसरी हार से बचाने का प्रयास करेंगे, वहीं संतोष को तीसरी जीत दिलाने का मतदाताओं से भरोसा चाहेंगे। गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा है। पीएम मोदी गया पहुंच गए हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में जगह जगह केंद्रीय पुलिस बलों को तैनात किया गया है। अभी जांच पड़ताल के बाद ही लोगों को अंदर पहुंचने दिया जा रहा है। लोगों में पीएम मोदी को सुनने के लिए उत्साह है। वह गया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रत्याशी जीतन राम मांझी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। पीएम मोदी का भाषण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि वह प्यार आशीर्वाद में कभी भी भूल नहीं सकता हूं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान पवित्र है। संविधान निर्माताओं ने समृद्ध भारत का सपना देखा था, लेकिन देश में दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने मौका गंवा दिया। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला अपने मोदी ने निकाला है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अपने 5 वर्षों के लिए मोदी की गारंटी कार्ड अपडेट किया गया है। गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों को अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि 70 साल से अधिक उम्र वालों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि जारी रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन का कोई विजन नहीं है। ये लोग जब वोट मांगते हैं तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काम पर मांगते हैं। पूरा बिहार जानता है कि वह क्यों नीतीश जी और केंद्र सरकार द्वारा किए गए काम का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।